हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आप लोग का कुछ का क्वेश्चंस क्यूरी था कि सीएपीएफ एसी 2021 का में नंबर ऑफ वैकेंसी कितने आएंगे, कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करने हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए आप लोग में से बहुत सारे लोग परेशान थे, तो मैं उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। देखो, ये फोटो जो है, ये पिक जो है, डेगो 47 बैच DSGO, ठीक है। तो डेगो 47 बैच का सीआरपीएफ का लिया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं इस बैच में मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये बैच में हमने इनिशियली ज्वाइन किया था, लेकिन ऑब्वियसली हमने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया था। तो इस बैच में ये आपका जो है हमारे ही बैच का था, ठीक है। तो इसमें से जो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, देखो आज आपका 15th हो गया, ठीक है, 15th मार्च आपका हो गया। अब आपके नेक्स्ट 15th को, यानी कि 15th अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आना है। तो 15th अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा और 5th मई तक आपको फॉर्म भरने का रहेगा, ठीक है। और जैसा कि आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि आपका 8-8 को 2021 को आपका एग्जाम होना है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में जो लोग आप पूछ रहे हो, देखो जो 2020 था, 2020 में आपका 209 वैकेंसी ही आया था। तो 2021 में मेरे अनुसार जो हमारी कुछ कम्युनिकेशंस हुई हैं, या जो भी, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ क्या सीन होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम देखो COVID-19 के कारण हो रहा है। जो स्टेट्स हैं, सेंटर हैं, सबके फाइनेंस जो है स्थिति खराब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप ये जान रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फाइनेंस बहुत स्थिति ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद जो अभी क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, तो भारत सरकार जो है अधिक जो एक्सपेंडिचर जो है, अधिक फंड जो है, ऐसे भी डिफेंस बजट जो है बहुत बहुत ज़्यादा होता है आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के तुलना में। देखा जाए तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस नंबर में क्या है, 1 मिलियन के करीब है। लेकिन जो आपके आर्म फोर्सेस क्या हैं, 1.3 मिलियन आपके आर्मी में हैं, 1.5 मिलियन के करीब में सारे तीनों आर्म फोर्सेस मिलाकर के हैं। बट उनका बजट जो होता है फार मोर होता है, क्योंकि जो उनका एक तरह से जो ट्रेडिशनली है, ट्रेडिशनली जो है आर्मी इंपॉर्टेंट थी। आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो देखो बाद में एग्जिस्टेंस में आया, और आज की डेट में वर्क वाइज देखो तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पास बहुत अधिक वर्क है, चाहे वो इलेक्शन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, या फिर बॉर्डर गार्डिंग हो, हर जगह इनका ही उपयोग होता है। लेकिन बजट वाइज देखा जाए तो इनका एलोकेशन बहुत कम है। तो जो आपका 2021 में वैकेंसी है वो करीब करीब 300 के आसपास रहना है, क्लोज टू 300 जो अभी तक मैं समझ रहा हूँ, जो कुछ लोगों ने मुझे बताया जो, तो इसके आधार पे 300 के आसपास। देखो एक है कि सीआरपीएफ में लास्ट टाइम मात्र 13 वैकेंसी, 13 वैकेंसी था, और सीआरपीएफ जो है वो लार्जेस्ट रिक्रूटर है। नॉर्मली आप देखोगे लार्जेस्ट रिक्रूटर, इनफैक्ट कुछ टाइम में देखोगे वैकेंसी 800, 800, 700, 600 वगैरह भी। तो सीआरपीएफ हमेशा, सीआरपीएफ के पास लायन चंक होता है, लायन शेयर होता है इस वैकेंसी में। तो अभी 2020 वाले में देखो तो मात्र 209 वैकेंसी था, तो उसमें से सीआरपीएफ के पास मात्र 13 वैकेंसी थी। तो इस बार हम आशा कर रहे हैं कि जो सीआरपीएफ में वैकेंसी ज़्यादा आएगा और उस अनुसार जो है करीब 300 आना चाहिए। लेकिन देखो ये हमेशा ध्यान रखो कि देर कैन बी एनीथिंग, अभी तक कुछ भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। अब कोई भी ऑफिसर या कोई भी जो भी इससे डील भी कर रहे हैं, तो वो क्या है कि कोई एग्जैक्ट जो है एक ही के बताएंगे। और आई फ्रेंकली स्पीकिंग कि आप तभी एग्जैक्ट बता सकते हो जब आपको होम सेक्रेटरी से आपका अप्रोच हो या होम मिनिस्टर से आपका अप्रोच हो, तब ये वही बता सकते हैं ना। अदरवाइज जो भी है कि डिफरेंट फोर्सेस हैं, अपने एक्सपेक्टेशन ही, डिफरेंट पर्सन्स हैं, एक्सपेक्टेशन ही दे सकते हैं। तो चूंकि सीआरपीएफ जो है लार्जेस्ट रिक्रूटर है, तो उसमें से वैकेंसी बहुत बहुत कम था 13। ये को भी मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द लोएस्ट अब तक का ये था। तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा आएगा, तो 300 के आसपास ये आना है। आप जान रहे हो कि नोटिफिकेशन आपका नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ये 15th अप्रैल को आ जाएगा, यानी आज से एग्जैक्ट 1 मंथ बाद आ जाएगा। अब देखो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी वैकेंसी होती है कम और बेस, ये डिपेंडिंग होती है कि यस कि कुछ कैंडिडेट बोलते हैं ना, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके वैकेंसी वो तुरंत नहीं आ जाती है। जैसे मान के चलो 2019 का अभी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ, अब 2019 में भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी जो 2018 का देखो ज्वाइनिंग हो चुका है,
2018 का ज्वाइनिंग हो चुका है, तो उसके आधार पे वो लोग देख रहे हैं कि कितने लोग ज्वाइन किए हैं, कितने लोग ने एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट किए हैं, ये सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। तो और फिर देखा जाता है कि बीच में कितने लोग छोड़े हैं, बहुत सारा फैक्टर होता है। देखो एक तो होता है जो फैक्टर डिसाइड होता है, एक तो कि फोर्स का एक्सपेंशन, तो फोर्स का एक्सपेंशन देखो सीआरपीएफ में इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इधर छत्तीसगढ़ वगैरह में कुछ एक्सपेंशन कर रही है, इसी वजह से देखोगे कि कुछ नई चौकियां वगैरह इस्टेब्लिश की जा रही थी, तो कुछ जो हमारे एक असिस्टेंट कमांडेंट और एक डेप्टी कमांडेंट जो वो शहीद हो गए। तो एक होता है कि एक्सपेंशन, फोर्स का एक्सपेंशन आप कर रहे हैं इस पर डिपेंडेंट होता है। तो एक्सपेंशन कभी भी किसी भी फोर्स का देखो, जो भी इस्टेब्लिश हुआ तो 2 बटालियन 3 बटालियन से शुरू हुआ, आज सपोज सीआरपीएफ के पास 240 के अप्रॉक्स बटालियन है, डिफरेंट जगह पे एक्सपेंड इसको किया जा रहा, तो एक्सपेंशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक्सपेंशन के बाद आपका क्या होता है कि जो भी बहुत लोग छोड़ देते हैं, जॉब हर लेवल पे छोड़ते हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पे भी छोड़ते हैं, इंस्पेक्टर के लेवल पे भी छोड़ते हैं, तो उसमें से नीचे के लोग कितने प्रमोशन में हैं, क्योंकि जो आपका ये होता है 50% जो है वो क्या है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है, और 50% जो होता है वो प्रमोशन से आपका आता है। तो जैसे देखो कि मान के चलो कोई डैसो थे, आप डैगो होंगे तो डायरेक्टली अपॉइंटेड गजिस्टर्ड ऑफिसर हो गया, कुछ लोग डैसो होते हैं, डैसो DASO यानी कि डायरेक्टली अपॉइंटेड सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो SI के लेवल पे, कुछ लोग कॉन्स्टेबल के लेवल से भी अपॉइंट होकर के वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए तो SI बन गए, फिर इंस्पेक्टर बने, फिर असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो तो उसमें से कितने लोग छोड़ रहे हैं और कितने लोग जो हैं एज कंप्लीट होने से पहले ही वो रिटायर हो जा रहे हैं, और डिफरेंट लेवल में यहाँ कितने लोग छोड़ रहे हैं, तो ये एक मैटर रखता है। तो एक एक्सपेंशन है कि कुछ लोग छोड़ रहे हैं, कुछ लोग जो होते हैं ज्वाइनिंग, सपोज मान के चलो कि अपॉइंटमेंट आपका सपोज BSF के पास 78 वैकेंसी 2020 में थी, अब उसमें से एक तो रिजल्ट कितने का दिया जाता है, फिर उसके बाद कितने लोग ज्वाइन करते हैं, सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, अब इसमें से आप हर लोग बहुत लोग हो जो डिफरेंट एग्जाम, देर आर फ्यू एक्सेप्शन ही हो जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम पे लगे हुए, कुछ और लोग हैं कुछ और एग्जाम्स को दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ एग्जाम्स को आप दे रहे हो ये, लेकिन आप ये मान रहे हो ना कि हमारे पास अच्छा विकल्प यदि है, अच्छा विकल्प और बुरा विकल्प जो होता है अपने सिलेक्शन पे होता है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा है कि यह समय वर्दी वाला जॉब चाहिए, तो वो बहुत लोग मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सिविल इंजीनियर हैं या कुछ और हैं लेकिन वो वर्दी वाले चाहते हैं, अब उस अनुसार देखा जाए तो एक सिविल इंजीनियर है अच्छा गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियर है, तो एक अनुसार कुछ लोग देखेंगे कि उससे बेटर और कौन हो सकता है, लेकिन कुछ लोग उसके बाद वर्दी में चाहते हैं, बहुत लोग बैंक PO हैं या जो भी हैं उसके बाद वर्दी वाले जॉब चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो IPS बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, या कुछ लोग स्टेट में SDM बन जाएंगे, तो उसमें से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वैकेंसी लास्ट ईयर क्या स्थिति थी। तो ये जो 2021 वाला है, तो एक तरह से ये न तो 2020 वाले से अफेक्टेड है और न 2019 वाले से अफेक्टेड है, 2018 से लिटिल बिट, और आपका पहले के जो ये सिचुएशन या इस बीच में जो छोड़े हैं वो उनके जो अपॉइंटमेंट है, तो 2019 2020 ये सब दोनों से तो एटलीस्ट कुछ भी आपका प्रभावित नहीं हो रहा है। एक फैक्टर कम जैसे वैकेंसी का एक चांसेस कम का है कि वही COVID-19 पैंडेमिक के कारण जो है फाइनेंसेस जो है स्थिति बहुत खराब है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको सैलरी देती है जो भी है जहां भी इनको ड्यूटी लगाते हैं, तो एक चांस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी 1-2 साल हो सकता है कि इसको कम करके रखे, ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट तो होगा लेकिन उसको कम करके, तो एक चांस ये है कि वैकेंसी कम होने का इसके कारण फैक्टर होता है। तो ये मुझे जहां तक लग रहा है कि वो 300 के आसपास होगा। देखो हमेशा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वैकेंसी का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, कि कितने वैकेंसी आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, वो यदि वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा का मतलब 10,000 तो नहीं आएगा, 300 की जगह 400 आया, 500 सपोज आ सकता है, उससे ज्यादा लास्ट कपल ऑफ इयर्स देखो 2011 में ज्यादा आया था, 2011 के बाद देखा जाए तो 500 कभी ये उधर 2010-9-8 ये इनिशियल फेज में ज्यादा वैकेंसी थे, 8-9-10-11 उसके बाद देखो कभी 400 300 अभी तक लोएस्ट में 136 वैकेंसी आया था,
तो इसी ढंग से आ रहा है। लास्ट जैसे देखो 2018 में इधर बीच में हाईएस्ट नंबर था, 2011 के बाद देखा जाए तो 2018 में हाईएस्ट नंबर था, लेकिन फिर 2019 में देखो आपका कम 325 है, फिर 2020 में आपका 209 है। तो मैं समझता हूँ कि 300 के आसपास 2021 में रहना है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चलो। देखो कुछ लोग सैलरी वगैरह के लिए डिमांड किए थे कि ये सैलरी का क्या मिलता है, पावर कुछ है, तो उसका एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में हमने आपको ये दिखाया हुआ है कि एक हमने अपने बैचमेट का लिया हुआ सैलरी स्लिप, जो आपका लेटेस्ट में जिस समय मैंने वीडियो बनाया उस समय का लेटेस्ट था, यानी कि जनवरी का था, ठीक है ना, जनवरी 2021 का, वो सैलरी स्लिप के थ्रू मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देखेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे इस 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, जिन्हें भी टेस्ट देना है केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, ओके, थैंक यू, आप प्रिपरेशन करते रहें।